हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज जो प्लांट लेके मैं आपके सामने आई हूँ वो है एक और बेस्ट हाउस प्लांट ग्रीनरी के लिए। और ये हमारा फर्न है, बॉस्टन फर्न। और इसके पत्तों का रंग इतना खूबसूरत, इतना अच्छा फॉलिएज। अगर आपके वो अपने गार्डन्स में लश ग्रीनरी देनी है तो ये प्लांट ज़रूर रखें। बहुत जल्दी फैलता है और बेहद खूबसूरत लगता है। ये पहाड़ी और हिली एरियाज़ में बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। हमारे यहाँ हमें इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बस धूप के मौसम में इसे थोड़ा सा बचाना पड़ता है। और इसको ना पानी मतलब इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है। गमले में पानी तो देना ही है, बस उसके साथ साथ दिन में दो या तीन समय धूप के वक्त जो है समर्स में स्पेशली मिस्टिंग ज़्यादा करेंगे आप इसे तो ये अच्छे से बना रहेगा, नहीं तो समर्स में इसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको मॉइस्चर वाली मिट्टी पसंद है। अब ये देखिए इस तरह से इसके ना छोटे छोटे से बेबीज निकलते हैं, ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ इसको यहाँ से इस तरह से निकाल के अलग अलग मैं गमलों में डाल देती हूँ। और बस ये आसान तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का। ये देखिए यहाँ भी एक निकल रहा है। अब मेरे पास अगर मैं ये दोनों को निकाल लूँगी तो मेरे पास दो अलग अलग पौधे हो जाएंगे। और फर्टिलाइज़र, इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें। जब मिट्टी बनाएं तब आप कंपोस्ट, गोबर खाद कुछ भी डाल दें। ये देखिए मैंने रिसेंटली इसको इसमें शिफ्ट किया है इसके बेबी प्लांट को, और ये कितना बड़ा हो रहा है। और देखिए मिट्टी मेरी, थोड़ा इसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है तो थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी मैं इसमें ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि ये थोड़ा मॉइस्चर इसमें रिटेन रह सके। और इसकी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए या रंग को बेहतर करने के लिए 6 महीने में एक बार आप ऐसा कर सकते हो कि आधा स्पून एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में मिलाकर ये पानी आप अगर इसमें डाल देंगे तो इसके ये जो हरा रंग है ना ये बहाल रहेगा। तो इसकी ग्रीनरी को, इसके रंग को अच्छा रखने के लिए आप इसमें ज़रूर एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। और क्या बोलूँ इसके बारे में, अभी तो इसी का मौसम शुरू हो चुका है। विंटर्स और रेनी सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, तो बस अपने गार्डन्स में ले आइए इनको। उसके बाद